गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला। गृहमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सीएम शिवराज के जनहित के काम से कमलनाथ आहत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भ्रामक बयान दे रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल से समाज में भय और भ्रम फैलाने के लिए कमलनाथ पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही कहा कि कमलनाथ जी, आपने जो कहा है उसे साबित करें, अगर आप प्रमाणित कर देंगे तो मैं अपना त्याग पत्र सौंप दूंगा। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रतिपक्ष छिंदवाड़ा से विधायक, मध्य प्रदेश में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति के मुंह से भारत के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर स्तब्ध हूँ और दुखी भी हूँ, आहत भी हूँ। पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है केजरीवाल को सुना के भारतीय स्टैंड सिंगापुर में उन्होंने झूठा बयान दिया, ये भी इंडियन करोना कह रहे हैं, ये जान पूछ के कह रहे हैं। ये टूल किट से कमलनाथ के तार जुड़े होंगे, ये तय मानिए आप, ये वही टूल किट वाले लोग हैं। वहां सवाल उठाना जहां देश का अपमान, उन्होंने आज बिना प्रमाण के कह दिया कि 1 लाख से ज्यादा लोग, 1,02,002 लोग मध्य प्रदेश में कोरोना से मरे, वैसी संख्या 1.5 लाख तक की होगी। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रम फैलाए, झूठ बोले और लगातार झूठ पर झूठ बोले, ये चिंता की बात है और निंदा की भी बात। कल्पना कर सकते हैं आप, एक का भी प्रमाण उनके पास है तो वो रखें, प्रमाण के साथ रखें, लाशें गिनवाइए। मैं मानता हूं कि 84 के दंगों से सिखों की जो लाशें उन्होंने गिनवाई थी, उसके बाद से उन्हें आदत होगी लाशें गिनने की, लेकिन अगर गिनवाइए तो कोरोना से मरे तो प्रमाण मीडिया के सामने रखना चाहिए, सिर्फ बात नहीं करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो जनहितैषी निर्णय लिए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, ये उससे आहत है। कल 1 लाख रुपया हर परिवार को दिया, हालांकि मौत की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन 1 लाख रुपया दिया, अनुग्रह राशि 5 लाख दी, 5,000 रुपया महीने की पेंशन दी, अनुकंपा नियुक्ति, निशुल्क इलाज दिया, ये आहत है इससे, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कमलनाथ और इन जैसे ही जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, एक भी ऐसी योजना लागू नहीं करवा पाए जो शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में लोगों के लिए राहत की दी। अरे होड़ करना है शिवराज सिंह जी की तो इसमें होड़ करो ना, भारतीय जनता पार्टी की अगर होड़ करना है तो इसमें करो। ये भ्रम फैलाकर भय फैलाना जो कांग्रेस की संस्कृति में आ गया है, आपने कभी देखा कमलनाथ जी को आज तक किसी अस्पताल में किसी गरीब की राहत के लिए करते हुए? मैं मध्य प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जैसे संघ परिवार ने सेवा के कैंप लगाए, कोविड के कैंप लगाए, इनके सेवा दल ने एक भी कैंप लगाया, एक जगह कहीं खाने का पैकेट बांटते मिले, दवाई बांटते मिले, ये या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी या माननीय सोनिया गांधी जी? नहीं मिले होंगे। लेकिन भ्रम फैलाने में, रोज ट्वीट करने में, रोज प्रेस में, रोज पेपर में, रोज टीवी में, ये रोज मिले होंगे आप। मैं मांग करता हूं गवर्नर से मध्य प्रदेश के, इन पर 188 के तहत मामला दर्ज करें जो भय फैला रहे हैं समाज के अंदर, ये जो भारत का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह या इससे संबंधित जो मामला कमलनाथ पे बनता हो वो मामला लगाए इस तरह के लोगों पर जो कि देश को और प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिम्मत है कमलनाथ जी तो आप प्रमाण रखो या इस्तीफा दो, और आप प्रमाण रखोगे तो मैं इस्तीफा दूंगा।